हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे एरे मेथड्स। बेसिकली ये एरे के कॉल बैक मेथड थे। हम स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड सिमिलर है अपने लूप्स की तरह, जो एरे के पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देता है। हम यूज करते हैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए अपना फॉर ऑफ लूप। वैसे ही ये फॉर ईच मेथड होता है। हम एक एरे डिफाइन कर लेंगे ARR नाम का, और उसमें वैल्यू दे देंगे 1 2 3 4। बाद में हमारा ये फर्स्ट मेथड है ARR.forEach मेथड। इसके अंदर हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, और उसके अंदर एक आर्गुमेंट देंगे, जो आर्गुमेंट हमने फॉर ऑफ लूप में यूज करते थे ना, कि इसके एलिमेंट्स को। अभी हम फॉर लूप यूज करते तो उसके अंदर हम इटरेटर आई लेते, वैसे ही ये इटरेटर है। तो ये इंक्रीमेंट होता जाता है जब तक अपने एरे के सब एलिमेंट्स वो मैप नहीं कर लेता। तो इस फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉक कर देंगे अपने एलिमेंट्स को, और फिर प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे अपने एरे के एलिमेंट प्रिंट हो गए। ये हमने नॉर्मल फंक्शन की मदद से किया। हम इसको एरो फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। अपना यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो एरो फंक्शन की मदद से भी ये प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, हमें जो वैल्यूज है, मतलब हम एक कंडीशन देंगे अपने मैप फंक्शन को, तो वो अपने एरे के पूरे जितने भी एलिमेंट है उन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सपोज हमें दो ऐड करना है, सब सब एलिमेंट में दो दो ऐड करना है, तो मैप एलिमेंट क्या करेगा, सब में दो ऐड करेगा और हमें एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते ए नाम का, और उसके अंदर अपने मैप फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो जितने भी हमारे फंक्शन है ना, इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन यूज करेंगे या फिर अपना नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा अपने एलिमेंट को साथ, हर एलिमेंट में दो ऐड करना है। तो इसको प्रिंट भी करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, अपने ए को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एरे रिटर्न होके आ गया। अपने जो एलिमेंट थे उस सब में दो दो ऐड होके आ चुका है। तो ये अपना वर्क है मैप फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, हमें एक फिल्टर फंक्शन को एक कंडीशन देनी होती है, और मतलब हमने ये कंडीशन दे दी कि दो से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से, तो वो एक न्यू एरे रिटर्न करेगा और उस एरे में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो हमें दो से डिवाइड हो रहे। तो एक काम करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, अपने एरे फंक्शन को कॉल करेंगे और फिल्टर यूज करेंगे। इसके अंदर हमारा एरे फंक्शन एंड देन ये एरे को कंडीशन देंगे। यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम कंडीशन दे रहे हैं तो हम पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी एलिमेंट डिवाइड हो गए 2 से, उसको आंसर 0 आएगा, वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा हमारे ये एरे, और फिर कंसोल कर देंगे हमारे बी को। तो यहाँ पे हमें एक न्यू एरे रिटर्न होके आ चुका है, जो जो नंबर 2 से डिवाइड है, जो 2 है 4 है, वो नंबर हमें न्यू एरे में प्रेजेंट होके आ चुके हैं।